आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एप्सीट का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप किसी भी डूअर को आप मल्टीपल टास्क असाइन कर सकते हैं एक ही बार में। अब ऐसा तो आप जो होता है वहां पे इनम लिस्ट वगैरह करके कॉमा देके कई सारे टास्क एक ही बंदे को असाइन कर सकते हैं, ऐसा एप्सीट के अंदर ऑप्शन है। लेकिन जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो ये किस तरीके से काम करेगा ये सारी चीजें मैं आपको अपने एप्सीट के अंदर ही सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको एक बार इसका डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं चीजों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ऐप बना चुका है और उसका नाम दिया है ऐप सीट एड मल्टीपल टास्क। और यहाँ पर आपको ये देखिए हमने क्लिक किया प्लस आइकन पे और यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो डूअर का नेम है मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे पंकज, और पंकज को मैं असाइन कर देता हूँ टास्क जैसे गो टू ऑफिस, गो टू मार्केट, कंप्लीट योर होमवर्क, ऐसा। देन मैं कर देता हूँ डन। ठीक है अब मैं जाता हूँ और ये सारा का सारा जो देख रहे हैं टास्क किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। आप इसको हाइड कर सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक बार इसको कर देता हूँ सेव। चलिए मैं आपको यहाँ पे ये देखिए चलता हूँ, ये देखिए सारा आ रहा है यहाँ पे गुड। ये देखिए पंकज 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 आ रहा है एक्चुअली। तो ये सारा का सारा पंकज के नाम पर असाइन हो, एक्चुअली पंकज के नाम पर सिर्फ 3 ही टास्क थे और ये गो टू ऑफिस, गो टू मार्केट, कंप्लीट योर होमवर्क, ये सारे जितने भी मैंने टास्क किया हुआ था ये सारा एक्चुअली असाइन हो गया है उनको, पंकज को। तो अभी यहाँ पे ये जो टास्क है एक काम करता हूँ मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग कम लगेगी। तो चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली, और रेफर शीट में चलते हैं और यहाँ से भी मैं डेटा को एक बार रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि डाटा इसमें पहले से ही कुछ पड़ा हुआ है। तो एक बार चलते हैं अपने ऐप के अंदर और यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब वापस से चलते हैं एक फ्रेश आइटम लेकर के, और यहाँ पे जैसे है जय, और इनको यदि मैं टास्क जा करके असाइन कर देता हूँ जैसे कंप्लीट योर होमवर्क और गो टू मार्केट, इनके लिए 2 टास्क है। डन किया और बाय डिफॉल्ट यहाँ स्टेटस हमारा पेंडिंग है, मैं कर देता हूँ सेव। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो एक जो टेबल है हमारा पैरेंट टेबल, इसके अंदर तो केवल एक ही जो होता है टास्क जैसे कॉमा बाई का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन हमारे पास है हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो चाइल्ड टेबल उसमें देखिए आप कैसे आ रहा है, सेम जय को हमने जो होता है 2 टास्क दिए हैं और दोनों को एक ही बार में असाइन किया और 2 अलग अलग जगह आ गए जो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। और आप इससे जो होता है टास्क को ट्रैक भी इजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो टास्क है वो आप कैसे असाइन करेंगे एपशीट की मदद से वो चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वापस से चलते हैं और एक ऐप जनरेट करते हैं अपना स्टार्टिंग से, और या तो फिर हम जो होता है इसी को ही हम एक्सप्लेन करते हैं आई होप सो। नहीं चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ appsheet.com। तो यहाँ से हम ऐप पे जाते हैं और यहाँ पे स्टार्ट विद एग्जिस्टिंग डेटा इस पे क्लिक करते हैं, ऐड इसका नाम देते हैं ऐड मल्टीपल टास्क। ठीक है उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं अदर, चूज योर डेटा, और यहाँ पर हम अपने जो हमारा डेटाबेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और हमारा जो डेटा जो टेबल जो गूगल सीट का नेम है ऐप सीट ऐड मल्टीपल टास्क, ये वाला ऐप सीट ऐड मल्टीपल टास्क करके यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो एक काम करते हैं हमारा जो टेबल का नेम है उसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये 2 नेम सेम आ रहा है मेरे पास, इसका नाम कर देते हैं। ठीक है अब वापस से चलते हैं और यहाँ से क्रिएट ऐप स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटा और ऐड मल्टीपल टास्क। उसके बाद यहाँ पे अदर और यहाँ पे चूज योर डेटा और यहाँ पे दिया अपना जो
यहाँ पर आपको अपने टेबल का नाम दे देना है, ऐप सीट एड मल्टीपल टास्क वन। तो हमारा जो डेटा टेबल है वो ऐड हो चुका है, तो हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो हमारा जो रेफर सीट है इसको भी ऐड करते हैं, जितने भी हमें सीट की रिक्वायरमेंट है बेसिकली। दूसरा जो टेबल है हमारा टास्क लिस्ट है, जिसके अंदर हमारा सारा टास्क आ रहा है। टास्क को सारा हमने यहीं पर असाइन कर दिया है, ये सारे टास्क हैं यूनिक आईडी और टास्क नेम से। आप जितना भी टास्क इसके अंदर ऐड करते जाएंगे वो सारा आपके अंदर भी ऐड होता रहेगा। टास्क लिस्ट भी हमने ऐड ऑन कर लिया। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, इसी सेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो रेफर सीट नाम का जो हमारी ये टेबल है बेसिकली, इस पे हम चलते हैं, व्यू कॉलम से स्ट्रक्चर में आते हैं और ये टास्क है। तो देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पर रेफरेंस जनरेट हो रहा है। तो ये जो हमारा रेफरेंस जनरेट हुआ है वो है टास्क वाले जो टेबल है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो रेफर जो सीट है वो हमारा एक्चुअली कनेक्टेड हो चुका है टास्क से। एक्चुअली हमें जो इसको रेफरेंस क्रिएट कराना है वो हमें कराना है टास्क लिस्ट से, क्योंकि सारा का सारा डेटा तो हमारा टास्क लिस्ट से आने वाला है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो टेबल नेम है टास्क टास्क उसका जो रेफरेंस हमें जो बनाना है बेसिकली, ये रेफरेंस ना बना करके यहाँ पे हमें बनाना है इनम लिस्ट। इनम लिस्ट बनाना है क्योंकि हमें इसी वाले टेबल से ही हमें जो रेफर वाला जो सीट है इसमें ही मैं देखिए फिल कर रहा हूँ, सारा डेटा तो इसी में आ रहा है। और इसी को जो है हम यहाँ जो हमारा चाइल्ड टेबल है इसके अंदर हम जो उसी कॉमा जो डेट कॉमा करके जो टास्क आ रहे हैं उनको हम सेग्रीगेट करके नीचे वाले कॉलम में डाल रहे हैं। तो हमारा जो जो हमारा रेफर सीट है इसको हमें कनेक्ट कराना है अपने टास्क वाले लिस्ट से। तो हमें जो जो हमारा टास्क वाला जो कॉलम है हमारे जो रेफर सीट के अंदर, उसके अंदर जो कॉलम है हमारा टास्क, उसको हमने बना दिया इनम लिस्ट। और ये जो इनम लिस्ट है इसको हम बना देंगे ड्राफ्ट रेफरेंस। यहाँ पे इसका जो बेस टाइप होगा वो होगा रेफ। और यहाँ पर रेफरेंस जैसे ही मैंने बनाया तो ये पूछने लगा कि भैया कौन से टेबल से आपको रेफरेंस बनाना है, तो वो है हमारा टास्क लिस्ट। तो हमारा ये सेटिंग करके इसको कर देनी है सेव। मैंने किया क्लिक पे सेव। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टास्क वाला जो टेबल है यहाँ पे रेफर सीट वो अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो हम इसको पहले अपने यूएक्स में जाते हैं और जो ये हमारे टास्क वाला टेबल है इसको हम पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं रेफर सीट से। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं करता हूँ प्लस आइकन पे क्लिक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टास्क वाला जो कॉलम है वो हमारा हो चुका है इनम लिस्ट। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सारा का सारा जो टास्क है गो टू मार्केट कंप्लीट योर होमवर्क, बस इतना ही मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। एक्चुअली हमें जो था सारा का सारा यहाँ पे दिखाना मतलब आना चाहिए था, तो कोई नहीं, हम इसको कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए वापस से चलना पड़ेगा अपने डेटा के अंदर। यहाँ पर आपने रेफर जो सीट है इसके व्यू कॉलम्स में आपको आ जाना है। व्यू कॉलम में आने के बाद देखिए ये इनम लिस्ट हमने दिया है ना, तो इसको अभी जहाँ पे ये इनम लिस्ट हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर जस्ट नीचे आपको आ जाने के बाद यहाँ पे जो डेटा वैलिडिटी का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखना है सॉर्ट। और सॉर्ट सॉर्ट एक्चुअली जो होता है हमें एक डेटा को जो ये एक एरे प्रोवाइड करेगा, और किसको कौन सा एरे प्रोवाइड करेगा जिस टेबल को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। और वो टेबल बेसिकली हम कनेक्ट करने वाले टास्क लिस्ट के अंदर जो हमारा टास्क नेम है। तो टास्क लिस्ट के अंदर जो हमारा टास्क नेम है उसको हमें सॉर्ट कर देना है यहाँ पे। तो यहां से मैं कर देता हूँ सेव और मैं अब कर देता हूँ डन। एक बार इसको कभी कर देता हूँ सेव।
तो हमारा ये जो ऐड आइकन है दोबारा से क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे टास्क अभी कैसे दिख रहा है। मैंने प्लस आइकन पे क्लिक की तो देखिए सारा का सारा जो टास्क है वो हमें यहाँ पे अब देखने को मिल गया है। अभी यहाँ पे जो डूअर नेम है, डूअर नेम में हमारे पास जो है यहाँ पे अभी देखिए कोई नाम नहीं आ रहा है। आप चाहें तो उसका एक ई नम बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ई नम के अंदर और यहाँ से सेलेक्ट करना होगा इसका ई नम और डेटा टाइप और वैल्यू यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। जैसे मैंने कर दिया अमित और दोबारा कर देते हैं पंकज और यहाँ पे एक और नाम डाल देते हैं रवि। ठीक है, यहाँ पे ये काम कर लिया हमने, जो बेसिक इसकी जो सेटिंग थी वो हमने यहाँ पे कर ली। अब हमें क्या करना है, जैसे ही यूजर जो भी आता है कोई टास्क असाइन करता है किसी भी डूअर को, तो हमें यहाँ पे वो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने सेटिंग कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसकी जो डेटा है वो उठा करके डालना है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे अपने बिहेवियर के अंदर और यहाँ से कुछ बिहेवियर जनरेट करेंगे। बिहेवियर जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमें बिहेवियर का नाम देना होगा एड टास्क, और ऐड टास्क में बेसिकली हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। जैसे कि इसके पहले बताओ एक्शन का नाम देना पड़ेगा आपको, मैंने कौन सा एक्शन बेसिकली रन कराना है। ऐड ए न्यू रो टू अनदर टेबल यूजिंग अ वैल्यू फ्रॉम दिस रो, देख रहे हैं ये वाला जो एक्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। ऐड ए न्यू रो टू अनदर टेबल यूजिंग वैल्यू फ्रॉम दिस रो। अब यहाँ पे फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल, मैंने किस टेबल के रिकॉर्ड को आपको यहाँ पे करना है, तो वो है हमारा टास्क लिस्ट। बेसिकली हमारे टास्क लिस्ट के अंदर जो रिकॉर्ड है उसी को उठा करके हमें ऐड करवाना किसके अंदर है, हमारा जो डेटा है का जो हमारा टास्क सॉरी रेफर सीट है उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा रेफर सीट है उसके अंदर हमें जा करके ये चीजें बतानी पड़ेंगी। टेबल टू ऐड, तो कौन से टेबल के अंदर ऐड करना है, सेट टेबल टू ऐड चीज इन टेबल दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऐप। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिक आईडी है, डूअर का नेम है, देन टास्क है। ठीक है, तो इसका जो टास्क है यहाँ पर रेफर टू द ऐप, यहाँ पर एक बार हम चलिए एक बार ट्राई करते हैं। फिलहाल टेबल टू ऐड में हमने यहाँ पर रेफर सीट ले लिया है और यहाँ पर एक सेकेंड, हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। फॉर ए रिकॉर्ड, फॉर ए रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल, इस टेबल के रिकॉर्ड को बेसिकली हमें रेफर सीट में नहीं डालना है, ये डालना है हमें अपने इसके अंदर टास्क टास्क वाले टेबल के अंदर। क्यों डालना है, क्योंकि हमें इसी की जो टास्क वाली लिस्ट का जो डेटा है वो एक एक करके हमें टास्क का जो टेबल है उसके अंदर ऐड करना है। तो हमें बेसिकली रेफर सीट को ना करके हमें टास्क को करना है। तो यहाँ पर उसका जो कॉलम नेम होगा वो आ जाएगा, डेट आ गया, डूअर नेम, टास्क और स्टेटस आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको यूनिक आईडी जो कॉलम है आप यहाँ पे यूनिक आईडी का जो एक्सप्रेशन है वो लिख दीजिए, क्योंकि यूनिक आईडी, ठीक है ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेकंड कॉलम होगा यहाँ पर आपका है डेट, डेट में आप टुडे का डेट डाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जो डेटा होगा ये सारा ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डूअर का नेम है वो हम ऑटोमेटिकली अपने ऐप स्क्रिप्ट की कोडिंग से लाएंगे, कैसे लाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। टास्क में आपका जो टास्क होगा वो हमें यहाँ पे असाइन कराना पड़ेगा। ये जो टास्क है बेसिकली यहाँ पे आपका जो हमारा टास्क नेम है वो आ जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पर जो स्टेटस है वो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग में रहेगा, तो हम यहाँ पे पेंडिंग लिख देंगे। और ये जो टास्क नेम है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, पेंडिंग यहां से आपको कर लेना है सेव। ये जो टास्क नेम है, ये टास्क नेम हमारा कौन से टेबल से आने वाला है, जिसको हमने रेफरेंस बनाया हुआ है, और रेफरेंस किसको बनाया है, टास्क लिस्ट वाले को। तो इसके अंदर का जो भी टास्क होगा वो हमारे टास्क नाम की टेबल के अंदर आएगा। ठीक है, ये सेटिंग हमने यहाँ पे कर ली। अब यहाँ पर सारी चीजें जो हो गई हैं तो अब इसको डू नॉट डिस्प्ले कर देना, क्योंकि मुझे इसको दिखाना नहीं है, इसको हमें बैकएंड में रन करवाएंगे। ये ऑटोमेटिकली ऐड टास्क हमने बना लिया, अब इस टास्क को हमें रन कराना है, तो इसके लिए हमें एक और एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जिसका नाम है रन टास्क। इस टास्क को रन भी तो कराना पड़ेगा, रन टास्क। अब यहाँ पर रन टास्क को क्या कराना पड़ेगा, अब इसके लिए हमें एक एक्शन जनरेट करनी पड़ेगी, वो क्या, एग्जीक्यूट एन एक्शन ऑन ए सेट ऑफ रूल्स।
इसके फॉर ए रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल, अब किस टेबल के रिकॉर्ड को एक्चुअली हमें एग्जीक्यूट कराना है, वो होगा हमारा रेफर सीट। रेफर सीट के ही रिकॉर्ड में जो आएगी वैल्यू, उसको एक एक करके रन करा करके हमें जो चाइल्ड वाला टेबल होगा, जो कि हमारा टास्क वाला टेबल होगा, उसके अंदर जो होता है रन कराना है। अब ये जो टेबल है वो किससे रेफरेंस है, टास्क लिस्ट वाले से, तो हम इसको टास्क लिस्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कराना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस देनी पड़ेगी किसके अकॉर्डिंग ये जो टास्क होगा वो रन होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला डेटा। ये वाला डेटा कौन सा है, टास्क लिस्ट से हमें टास्क का नेम चाहिए, टास्क नेम, ठीक है, टास्क नेम। अब इसके लिए कंडीशन देनी पड़ेगी, कंडीशंस क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ चेकिंग करानी पड़ेगी। इन इन के अंदर हमें जो हमारा टास्क नेम है, इन क्या होता है, बेसिकली लुकअप फंक्शन होता है, वो लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो सर्च करके ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। तो यहां पर हमने इन लिखा, अंडर स्कोर दिस रो डॉट, अब यहाँ पे आपका जो है टास्क, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या करेगा, हमें टास्क का सारे टास्क लिस्ट के अंदर के सारे टास्क को देगा, जो हमने टास्क वहां पे जो हमारा रेफर सीट है उसके अंदर जितने भी टास्क सेलेक्ट किए होंगे उन सारे टास्क को वो जो होता है अपने टास्क लिस्ट वाले टेबल से मैच करके उस सारे डेटा को रिटर्न करेगा। एक चीज आपको यहाँ पर और ज्यादा मतलब ध्यान देनी होगी कि हमने इसके अंदर की और कॉलम्स की को क्या सेलेक्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम चेक कर लेंगे। तो रेफरेंस एक्शन के अंदर हमें कौन सा एक्शन को रन कराना है, वो एक्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जहां जहां ये वैल्यू मैच खाएगी वो उसकी जगह पे हमें ऐड टास्क वाला एक्शन को रन कर देना है। ऐड टास्क वाले एक्शन में हमने क्या किया है, हमने कुछ चीजों को वहां पे बाय डिफॉल्ट डाल दिया, जैसे यूनिक आईडी हो गई, डेट वाले के अंदर करंट डेट आएगा, टास्क वाला जो कॉलम है उसके अंदर टास्क जो लिस्ट है उसके अंदर जो जो भी वैल्यू मैच खाएगी, जिसको एक्चुअली मैं सेलेक्ट करूंगा वो मैच खाएगी, वो सारी वैल्यू वहां उठा के दे देगा। इसके बाद इसको कर दे रहा है डू नॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो सेटिंग है वो हो चुका है, और यहाँ पे चलते हैं और एक काम और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टास्क लिस्ट है उसके अंदर हमने की और की को क्या सेट किया हुआ है। तो की को देखिए हमने क्या सेट किया हुआ, यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी यहाँ पर आपको अभी आपने एक्सप्रेशंस में क्या लिखा था, हमारे टास्क लिस्ट के अंदर से टास्क नेम चाहिए, तो टास्क नेम आपका यहाँ पे की नहीं है। अगर आपको जो आपने की सेट किया हुआ उसको अगर यहाँ पे यूनिक आईडी को सेट किया है तो सेलेक्ट के अंदर जा करके आपको वहां पर यूनिक आईडी ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उस की के अकॉर्डिंग ही तो वो टास्क सेलेक्ट कर पाएगा। तो की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे टास्क नेम को जगह पे यूनिक आईडी कर दें, क्योंकि वहां पे हमने की को यूनिक आईडी सेट किया हुआ है, यूनिक आईडी को हमने की सेट किया हुआ एक्चुअली। तो यहाँ पे ये पूरा हो चुका है, एक्शन हमने सेट कर लिया है। अब ये जो एक्शन है रन कब होगा, जब मैं फॉर्म को करूंगा सबमिट, तब मुझे ये एक्शन रन करवाना। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए कैसे करेंगे, हमारा जो फॉर्म है रेफर सीट का जो फॉर्म है, इस पर जब मैं करूंगा, इस फॉर्म को करूंगा जब मैं सेव, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं बिहेवियर के अंदर, और फॉर्म सेव नाम का एक यहाँ पे जो आपको एक्शन दिख रहा है इसमें मुझे कौन सा एक्शन रन करवाना है, रन टास्क वाला, मैं कर देता हूँ सेव। तो अभी एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने किया अमित को सेलेक्ट, और इनको मैं असाइन करता हूँ दो टास्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने गो टू मार्केट कम्प्लीट योर होमवर्क डन किया, देन मैं स्टेटस देखिए यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां स्टेटस वाले कॉलम में पेंडिंग डाल दिया है, तो इसको आप हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और चलते हैं ऐड टास्क के अंदर और देखते हैं, ये देखिए अमित के लिए मैंने दो टास्क दिए हैं, यहाँ पे देखिए स्टेटस कुछ नहीं आ रहा, तो बट अगर यहाँ सब कुछ ठीक होगा तो देखिए ये देखिए अमित जो नाम जो है यहाँ पे नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन उनके जो दो टास्क हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब नाम भी ऑटोमेटिकली आता रहे वो कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक कोड बना के रख दिया है, ये देखिए एड नेम नाम का,
ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमने इसको टारगेट करवाया है कौन से टेबल से। ये हमारा जो टेबल है बेसिकली हमारा टास्क नेम, टास्क वाला टेबल, इसको हमने टारगेट किया। ये बेसिक ज़्यादा मतलब ऐसा कोड नहीं है, आप इसको देख के घबराए नहीं, ये बिल्कुल सिंपल कोड है। तो यहाँ पर हमने देखिए ये टारगेट किया बेसिकली हमारा, यही गूगल सीट है, ये गूगल सीट है, यही हमारा इसका आईडी है, इसी आईडी से मैंने इस सीट को टारगेट किया है। और टारगेट करके हमने इसको ओपन कर लिया, फिर हमने इसके रेफर जो सीट है उसको टारगेट किया, फिर उस रेफर सीट के लास्ट रो को फाइंड आउट किया, फिर उस लास्ट रो वाली जो वैल्यू है, मतलब अगर आप जाएंगे अपने गूगल सीट के अंदर तो रेफर सीट के अंदर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो लास्ट रो होगा वो होगा 3, और उसकी जो डूअर नेम है वो है अमित। तो हम इस अमित को एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे हैं रेफर वाली सीट से। तो रेफर वाली सीट से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके हमारा जो टास्क वाला टेबल है उसके अंदर हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेस्ट करने के लिए उसका पहले हमने लास्ट रो फाइंड आउट किया, फिर हमने जो होता है उसका दूसरा वाला लास्ट रो फाइंड आउट किया। बेसिकली हमें 2 बार इसके अंदर लास्ट रो फाइंड आउट करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखिए ये क्या होगा, जब डेटा पेस्ट होगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसके बाद जो होता है यहाँ तक वैल्यू होगी और बीच में वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ तक की जो वैल्यू होगी इसका लास्ट रो फाइंड आउट किया, और फिर हमने इस कॉलम की वैल्यू को, इस कॉलम के लास्ट रो को फाइंड आउट किया एक्चुअली जिसमें वैल्यू नहीं है। फिर इन दोनों वैल्यू को माइनस करके एक्चुअली हमें ये पता करना था कि एक्चुअली कितने रो में वैल्यू नहीं है। तो हमने ये वाले लास्ट रो फाइंड आउट किया, देन इस कॉलम का लास्ट रो फाइंड आउट किया, दोनों को माइनस करके एक लूप चला दिया, और लूप चला करके जो हमारा इस वाले कॉलम से जहाँ से वैल्यू नहीं है यहाँ से वैल्यू को पेस्ट करवा दिया। तो बेसिकली यही है वो कोड, और ये कोड यही काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक बार लास्ट रो फाइंड आउट किया, दूसरा लास्ट रो फाइंड आउट किया, फिर दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद एक लूप चला दिया, और लूप चला करके वो जो टूअर नेम है उसको मैंने सेट करवा दिया। तो हमारा जो ये बेसिकली सीट का नाम है वो है ऐड मल्टीपल टास्क। इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ऐप स्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं ऐप सीट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर उस वीडियो को देखिए, इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, फिलहाल अब इसको भी ऐड करवा देता हूँ, जो हमारा ये एक्शन है जो हमने बिहेवियर यहाँ पे ऑटोमेशन बनाया है उसी के अंदर, सॉरी बिहेवियर जो हमने बनाया था बिहेवियर में नहीं, मुझे ऑटोमेशन में जाके करना पड़ेगा। तो ऑटोमेशन में जा करके हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड जो हमारा ये जो न्यू बॉट है इस पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे कॉल स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको डिफाइन कर लेना है, क्रिएट कस्टम बॉट, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर इवेंट, और क्रिएट कस्टम इवेंट, और यहाँ पे ऑल चेंजेस, और यहाँ पे हमारा जो टेबल होगा वो कौन सा होगा, ये हमारा होने वाला है टास्क वाले टेबल रहने देता है, इट्स ओके। और यहाँ पे ऐड ए टास्क न्यू स्टेप, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कॉल स्क्रिप्ट, इसमें जाना है, और जो हमारे टास्क वाला जो टेबल है इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, और इसमें हमें जो हमने स्क्रिप्ट का नाम दिया है उस स्क्रिप्ट को हमें सर्च करना पड़ेगा। तो हमारा जो स्क्रिप्ट का नाम है वो कौन सा है, वो है ऐड मल्टीपल टास्क। तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐड मल्टीपल टास्क, देखिए ये आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। दोबारा से कर लेते हैं एक बार, अच्छा ये ऐड हो चुका है इसके लिए। ये देखिए ऐड मल्टीपल टास्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं नीचे जाऊंगा तो ऐड मल्टीपल टास्क, और यहाँ पर एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, और यहाँ पर जस्ट यहाँ पे फंक्शन के नेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐड नेम, और यहाँ पर जस्ट नीचे थोड़ा और आ जाना है, और ये ऐड नेम हो गया। दिस फंक्शन हैज अ न्यू पैरामीटर, तो मुझे इसके पैरामीटर की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। अब ये वाला जो काम है वो हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक बार दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पंकज को सेलेक्ट किया, और इनको जैसे मैंने दे दिया टास्क में कंप्लीट योर होमवर्क कॉल मॉम और डन, और यहाँ से मैंने किया सेव।
बार देखते हैं ऐप सीट में जा करके। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पंकज पंकज सारे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पे पहले में डेटा नहीं था, लेकिन अगर आपको ये वाला पूरा का पूरा डेटा अगर आप यहाँ से डिलीट कर दें और अब आप पूरा प्रॉपर तरीके से आपका ये काम करेगा। देखिए चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ और इस बार जैसे मैंने अमित रवि को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ से चलते हैं टास्क में, और यहाँ कंप्लीट योर होमवर्क, गो टू मार्केट और गो टू ऑफिस। ठीक है, डन करता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल सब परफेक्टली चलेंगे। ये देखिए ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ रवि के लिए 3 टास्क असाइन किया और तीनों यहाँ पे आ गए। आपका जो कर जो पैरेंट टेबल है इसमें अगर आप देखेंगे तो रवि के सारा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये टास्क आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं, जिससे आपका काफी टाइम भी सेविंग हो जाएगा और आपके साथ एक ही बार में कई सारे टास्क आप एक बंदे को असाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे दोबारा से अगर हम चलते हैं पंकज को सेलेक्ट करते हैं और एक और टास्क ऐड करके देख लेते हैं, और इनको जैसे मैंने मान लीजिए कॉल कस्टमर, गो टू ऑफिस, मेक ए फोन कॉल, कुछ इस तरीके का हम टास्क दे देते हैं और देन सेव कर देते हैं। तो इनका जो टास्क है वो हमने असाइन कर दिया। तो देखिए पंकज के भी जितने टास्क होंगे वो आपको वन बाई वन देखने को मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ये सारा का सारा जो टास्क है कुछ यहाँ पे सारे असाइन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल टास्क को एड ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।